हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉल इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए एक नया ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें आप इजीली किसी भी बुक के रिगार्डिंग आप उसका इंडेक्स पेज या टेबल ऑफ कंटेंट इजीली विद इन फ्यू सेकंड्स आप उसको बना सकते हो। सबसे पहले मैं चलता हूँ कि जैसे मैंने कोई भी चैप्टर राइट करा है, इस चैप्टर का नाम है जैसे चैप्टर वन, और सेकेंड वन जो चैप्टर है वो है मेरा चैप्टर नंबर टू, एंड थर्ड वन इज चैप्टर नंबर थ्री। मैं इन तीनों चैप्टर्स को वन बाय वन करके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे ले जाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर टू को लेके जाना है सेकंड वन, या चैप्टर नंबर वन को ही लेके चलते हैं सेकंड वन पेज पे। डायरेक्टली पे हम इंसर्ट पे जाते हैं, पेज ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आ गया चैप्टर नंबर वन जो है वो हमारा सेकंड वाले पेज पे चला गया। चैप्टर नंबर टू को मैं लेके जाता हूँ पेज नंबर थ्री पे, और उसके बाद जो चैप्टर नंबर थ्री है उसको मैं लेके जाता हूँ पेज नंबर फोर पे। तो ये हमारा जैसे कि आप देख रहे हो चार पेजेस बन गए हैं। जो मेरा सबसे पहला वाला पेज होगा वो होगा मेरा टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, यानी कि इंडेक्स पेज के लिए, और चैप्टर वन जो है वो मेरा सेकंड पेज पे है, चैप्टर टू मेरा जो है वो थर्ड पेज पे है, और चैप्टर नंबर थर्ड जो है वो मेरा फोर्थ पेज पे है। और सबसे पहली बात, किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए जो भी आपकी मेन हेडिंग है उसको आप होम में जाके हेडिंग वन सेलेक्ट करवाएंगे, ताकि ये आपके लिए मेन हेडिंग बन जाए और यही आपका टेबल ऑफ कंटेंट में आपकी हेल्प करे। उसके बाद चैप्टर नंबर टू को भी सिलेक्ट करा और सेम वही सेटिंग दे दिया, और चैप्टर नंबर थ्री को सिलेक्ट करके सेम मैंने वही सेटिंग करा। और अब हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को ड्रॉ करने के। उसके लिए मुझे सिंपल सा सेटिंग जो हमारे पास ऑलरेडी वर्ड में अवेलेबल होता है रेफरेंसेस पे जाके हमने सिलेक्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाती है कि आपने किस वे में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। हम सिंपल सा रखते हैं फर्स्ट वाला, ताकि इजीली हमारा डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए। इसको सिलेक्ट करा तो आप देखना नीचे हमारा ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट जो है, यानी कि जिसको हम इंडेक्स पेज बोलते हैं, वो हमारा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाए। ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का बेनिफिट। लेट्स सपोज अगर आपने उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे चैप्टर नंबर वन के अंदर आपने कुछ सब हेडिंग देना है, इसको हम सब टाइटल बोल देते हैं, उसको सिलेक्ट करके फिर से दोबारा होम में जाके, ये आपका चैप्टर नंबर वन के अंदर सब हेडिंग बन रहा है इसलिए मैंने उसको हेडिंग टू दे दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी जो सेटिंग है, जो इसकी इंफॉर्मेशन है, वो भी मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में चाहिए। तो उसके लिए मैंने डायरेक्टली क्या करा, यहाँ पे आप ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर आपका अपडेट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, ताकि आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सको। यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है अपडेट पेज नंबर्स ओनली या इंटायर टेबल। हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फर्स्ट वाला भी कर सकते हो अगर आपने सिर्फ पेज नंबर को ही चेंजेस करना है। यहाँ पे क्लिक करा तो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके चेक कर लीजिए, सब टाइटल में भी जो हमने चैप्टर नंबर वन के अंदर सेकेंड हेडिंग, यानी कि हेडिंग नंबर टू जिसको दिया था सब टाइटल, वो भी हमारा यहाँ पे आ गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अगर इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हो कि आप किस टाइप का और वीडियो देखना चाहते हो। हम आपके रिगार्डिंग और आपके लिए उसी टाइप का वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर सकते हैं।